नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि एक मेल को अगर हम किसी को भेजें और हम चाहें कि वो एक लिमिटेड पीरियड तक उनके इनबॉक्स पे रहे तो कैसे कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन आप देख सकते हैं, इस समय हम इनबॉक्स के अंदर हैं, आपके अकाउंट के अंदर भी। जब आप इनबॉक्स के अंदर हैं तो इसका लुक एंड फील कुछ इस तरह से होगा। हम कंपोज मेल पे क्लिक करते हैं। कंपोज मेल पे क्लिक करने के बाद हम जिसे मेल भेजी जानी है उसका ईमेल आईडी टाइप करते हैं। आपको जिसे भी मेल भेजना है उसका ईमेल आईडी टाइप करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, मान लीजिए ये एक कॉन्फिडेंशियल मेल है जो आप एक लिमिटेड पीरियड के लिए किसी को शेयर करना चाहते हैं। इसका नाम हमने रख दिया कॉन्फिडेंशियल मेल। हमने उसका कंटेंट लिखा जो कॉन्फिडेंशियल कंटेंट है, जो लिमिटेड पीरियड के लिए रिसीवर के इनबॉक्स के अंदर अवेलेबल होगा। यहाँ पे हम एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज टाइप कर देते हैं। कॉन्फिडेंशियल मैसेज है। अब हम चाहते हैं कि ये लिमिटेड पीरियड के लिए यहां से भेजा जाए। अगर आप देखेंगे नीचे वाले बार पे, कंपोज मेल के नीचे वाले बार पे, यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनमें से एक ऑप्शन है जिसमें लॉक और क्लॉक एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसे हम बोलते हैं टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि ये एक दिन के बाद रिसीवर के इनबॉक्स से गायब हो, एक वीक के बाद गायब हो, एक मंथ के बाद गायब हो, 3 मंथ्स के बाद गायब हो या 5 साल के बाद गायब हो। अभी इसमें इससे ज्यादा कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पे डेट भी आ जाए कि आप एक पर्टिकुलर डेट तक, एक पर्टिकुलर समय तक उसे रिसीवर के अकाउंट में जोड़ सकते हैं। अभी ये लिमिटेड ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है, तो हम इसको अभी एक्सपायर्स इन 1 डे ऑप्शन के साथ मूव करते हैं। नीचे 2 रेडियो बटन्स हैं। एक रेडियो बटन कहता है कि हमें SMS पासकोड नहीं भेजना है, और दूसरा ऑप्शन है जिसमें SMS पासकोड की आवश्यकता होगी। अभी हम पहले ऑप्शन के साथ जाते हैं। पहला ऑप्शन है No SMS password, हम इसको सेव कर देते हैं। ये सेव करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी मेल के नीचे एक ऑप्शन आ गई है जहां पे लिखा हुआ है कंटेंट एक्सपायर्स ऑन 10th December 2021। उसके नीचे एक और मैसेज है जो कह रहा है रिसिपियंट वोंट हैव द ऑप्शन टू फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट एंड डाउनलोड दिस मेल। So, ये कॉन्फिडेंशियल मेल बन जाती है जिसको वो प्रिंट भी नहीं कर सकते हैं, किसी और को आगे भेज भी नहीं सकते हैं, और इसको कॉपी करके अपने पास रख भी नहीं सकते हैं। ये पूरी तरह से एक कॉन्फिडेंशियल मेल है। अगर आप इस ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं, वापस एडिट पे जाकर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम सेंड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करते हैं ये मेल रिसीवर के इनबॉक्स में पहुंच गई है। अब आगे हम देखते हैं कि ये रिसीवर के इनबॉक्स में कैसी दिखाई देती है। अब देखिए ये हम रिसीवर के इनबॉक्स में आ गए हैं। अब रिसीवर के इनबॉक्स में एक टॉप पे मेल दिखाई दे रही है जो कॉन्फिडेंशियल मेल है। वो खोलेंगे और इस मैसेज के नीचे भी वही कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट एक्सपायर्स ऑन 10th December 2021 एंड यू आर नॉट अलाउड टू copy, print and forward this mail। print करने की कोशिश करते हैं, देखिए print option चल ही नहीं रहा है। forward करने की कोशिश करते हैं, 3 dots पे जाके इसे forward करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ reply कर सकते हैं, forward हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई option नहीं है जिसमें हम इस mail को आगे forward कर सकें। copy करने की कोशिश करते हैं, इसको select करके copy करें। देखिए हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से जो सेलेक्ट हो रहा है
लेकिन ईमेल का जो मेन कंटेंट है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल मेल। अब हम आते हैं दूसरी ऑप्शन पे, पासकोड के साथ कैसे मेल को हम सेंड करेंगे। हम अपने इनबॉक्स में आ गए हैं, दोबारा से हम कंपोज करते हैं इस मेल को और रिसीवर का ईमेल आईडी टाइप करते हैं। यहां पे सबमिट लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं तो मैसेज हमें आगे पास ऑन करना है। अब दोबारा से हम कंपोज मेल के बॉटम टास्क बार पे आते हैं और लॉक एंड क्लॉक वाला आइकन जो दिखाई देता है उस पे क्लिक करते हैं। इस बार फिर हम इसे एक दिन में एक्सपायर करना चाहते हैं और नो एसएमएस पासकोड की जगह दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जिसमें एसएमएस पासकोड लिखा हुआ है और सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारी मेल जाने के लिए तैयार है। इसके नीचे भी वही मैसेज आ रहा है जो पहले वाली मेल के नीचे आ रहा था। जब हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे रिसीवर का मोबाइल नंबर पूछेगा, उसमें आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, उसके बाद 10 डिजिट का मोबाइल नंबर टाइप करना है। इसे कंफर्म हो गया कि ये रिसीवर के हाथों में ही जाएगी ये मेल, जिसके पास ये मोबाइल। हमने अपनी मेल को भेज दिया है, यहाँ पे मैसेज सेंड का मैसेज आ गया है। अब हम चलते हैं रिसीवर के इनबॉक्स में। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर ये इनबॉक्स है जो रिसीवर का इनबॉक्स है। अब हम इसको क्लिक करते हैं। मैसेज का कंटेंट नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी जगह पर यहां पर आ रहा है वेरीफाई आइडेंटिटी, यानी कि फोन पर मैसेज आए बगैर, उस कोड को लिए बगैर और उस कोड को यहां पर डाले बगैर ये मैसेज आप नहीं पढ़ सकते। तो हम पहले पासकोड पर क्लिक करेंगे। यहां पर इसने लिखा है एंटर पासकोड, पासकोड वॉज सेंट ऑन द मोबाइल नंबर, उसकी एंड की दो डिजिट दिखाई जा रही है, तो उस मोबाइल से आप वो पासकोड कॉपी करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे। सबमिट करने के बाद ही आप इस मैसेज को देख पाएंगे। अभी देखिए ये मैसेज डिस्प्ले हो गया। तो ये है पासकोड के साथ हम मैसेज कैसे देखें। अब हम वापस चलते हैं अपने इनबॉक्स में। अब अपने इनबॉक्स में हम जो हमारे दो मैसेज भेजे गए उनमें से एक मैसेज को इमीडिएटली हम विथड्रॉ करना चाहते हैं। हमने भेज दिया और हमें कंफर्म हो गया कि उन्होंने देख लिया, उसके बाद हम नहीं चाहते हैं कि वो उनके स्क्रीन पर अब रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस उसी मेल में जाएंगे और बॉटम पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है ये राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे जिस पे लिखा हुआ है रिमूव एक्सेस, ये हम क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद थोड़ी देर बाद, क्योंकि टाइम गैप है, अलग अलग टाइम जोन्स हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले होगा। 2 से 5 मिनट के बीच में जो रिसीवर है उनके इनबॉक्स से ये मेल एक्सपायर हो जाएगी, उसका वो सिर्फ सब्जेक्ट देख पाएंगे, उसका कंटेंट नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर ये आपसे गलती से हो गया है और आप चाहते हैं कि नहीं नहीं आप वापस उन्हें वो कंटेंट दिखाना चाहते हैं, तो ये रिन्यू एक्सेस का बटन दबा देंगे तो वापस से थोड़ी देर बाद ये मेल जो एक्सपायर हो गई थी रिसीवर के इनबॉक्स में वो वापस से डिस्प्ले होने लग जाएगी। इसी के साथ ही धन्यवाद।